जय जगन्नाथ। हेलो बच्चा पट्टी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SRD फिजिक्स। इस वीडियो में हम JEE 2024 का एक PYQ सॉल्व करेंगे। द क्वेश्चन इज एन इनफाइनाइटली लॉन्ग पॉजिटिवली चार्ज स्ट्रेट थ्रेड हैज ए लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम मीटर इनवर्स एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ हैविंग एक्सिस अलोंग द लेंथ ऑफ द वायर। The graph that correctly represents the variation of the kinetic energy of the electron as a function of radius of the circular path from the wire is. Options are given here. चलिए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे आसानी से सॉल्व करते हैं। तो एक इनफाइनाइटली स्ट्रेट चार्ज थ्रेड है, ठीक है। इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी है प्लस लैम्डा कूलम मीटर इनवर्स, एंड इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इसे। तो ये इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करेगा, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ के बीच में रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो पहले हमको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज्ड वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो इसका न्यूमरेटर में एक 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 लैम्डा हो जाएगा, एंड डिनोमिनेटर में भी एक 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम के लिख देंगे, क्योंकि ये के क्या होता है, कूलम्स कांस्टेंट, कूलम्स कांस्टेंट। तो ई कितना हो गया, ई इक्वल टू 2 के लैम्डा बाई आर। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, ये सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो ये इनफाइनाइट चार्ज वायर के वजह से इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उसको लिख देंगे। तो एफ का फॉर्मूला क्या है, क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ई है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, 2 के लैम्डा बाई आर, ये हम लिखे थे। तो फोर्स कितना हो गया, 2 के ई लैम्डा बाई आर। तो जब ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसको सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, क्योंकि सेंट्रिपिटल फोर्स कोई अदर फोर्स नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, दूसरा फोर्स को आज ए सेंट्रिपिटल फोर्स यूज करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, प्रोवाइड्स एफसी, एफसी मतलब सेंट्रिपिटल फोर्स, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, एफ ई इक्वल टू एफ सी, एफ ई मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना आया था, 2 के ई लैम्डा बाई आर। तो सेंट्रिपिटल फोर्स क्या है, एम बी स्क्वायर बाई आर। आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट। तो ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा, के ई लैम्डा इक्वल टू क्या लिख देंगे, एम बी स्क्वायर बाई 2। तो हाफ एम बी स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो गया, के ई लैम्डा, ठीक है। दैट मीन्स योर काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन आर। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी एंड रेडियस के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा, क्योंकि के डज नॉट डिपेंड ऑन आर। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। फिर से मिलते हैं एक न्यू वीडियो में एक नया क्वेश्चन के साथ। थैंक यू। जय जगन्नाथ।